अगर आप सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस कर रहे हो लेकिन आपने अपने आप को डिजिटल प्रेजेंस नहीं दिया है तो आने वाले दिनों में आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। मैंने देखा है कि काफी सारे बिजनेस जो ओनर्स होते हैं वो जब कोटेशन देते हैं तो ऐसे समय पर उनका कोटेशन कई केसेस में पास नहीं होता है। रीजन क्या है, वो काफी ज्यादा प्राइसिंग पे वर्क तो करते हैं लेकिन कुछ अनदर रीजन की वजह से उनके कोटेशन फेल हो जाते हैं। जहां पर मैंने देखा कि कुछ ऐसे रीजन है जिसके कारण उनके कोटेशन पास नहीं होते हैं, तो वो क्या रीजन है आज मैं उसके रिलेटेड आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपसे शेयर करने वाला हूँ। बट बिफोर दैट, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप अपनी कम्युनिटी में शेयर करिए, और पसंद आए तो आप इस लाइक बटन को हिट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम। तो बात ऐसी है कि आप कोटेशन देते हो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने प्राइसिंग के ऊपर बहुत वर्कआउट किया है और आपने बेस्ट ऑफ बेस्ट प्राइसिंग दिया है लेकिन फिर भी आपका कोटेशन पास नहीं हो पाता है। तो इसमें से एक फैक्टर ये भी होता है कि आपका ब्रांड बिल्डिंग कितना अच्छा है, आपने अपने कंपनी का डिजिटल प्रेजेंस कितना अच्छा रखा हुआ है, ये भी एक मैटर करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि कस्टमर लोग आपके बारे में कुछ रेफरेंसेस या तो कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपके पीठ पीछे। ऐसे समय पर आपके बारे में अगर कोई भी डिजिटल प्रूफ या कोई भी डिजिटल प्रेजेंस वहां पर नहीं मिलता, उनको अच्छे एविडेंसेस नहीं मिलते आपकी कंपनी के रिलेटेड, तो ऐसे में वो आपका कोटेशन भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ये एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। बट इसके लिए आज से आपको तैयारी करना है। मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट शूटर स्टाइल में एक एक पॉइंट आपको डिलीवर करने वाला हूं। तो आइए चलते हम समझते हमारे फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट नियम को जो आपको फॉलो करना है एज अ बिगनर अगर आप सीसीटीवी कैमरा इंडस्ट्री के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हो। तो सबसे पहला पॉइंट है डेट इज जीएमबी लिस्टिंग। अगर आपने गूगल प्रोफाइल यानी कि गूगल माय बिजनेस के ऊपर आपने अपनी कंपनी को लिस्ट नहीं किया है, देखो इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ये एकदम फ्री है। आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो देख सकते हो कि कैसे आप गूगल माय बिजनेस के ऊपर अपने बिजनेस प्रोफाइल को वहां पर लिस्ट कर सको। जहां पर आपकी कंपनी गूगल के पेज के ऊपर आ जाती है, अगर आपके नियर बाय 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस पर अगर कोई सर्च करता है कि सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलर या बेस्ट सीसीटीवी कैमरा सर्विस प्रोवाइडर, तो वहां पर चांसेस है कि आपका बिजनेस वहां पर शो करे। तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको होने वाला है सिर्फ फायदा ही फायदा। तो ऐसे में आपको अपना एक गूगल माय बिजनेस यानी कि गूगल प्रोफाइल आपको वहां पर बना लेना है। इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन शुरुआत आज से नहीं करोगे तो आपका वो प्रोफाइल भी तैयार नहीं हो पाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि गूगल आपको प्रोवाइड करता है वन पेज वेबसाइट बनाने का सर्विस। यानी कि आपके पास में अगर अपनी खुद की वेबसाइट नहीं है तो आप एक पेज का लैंडिंग पेज आप बना सकते हो गूगल के ऊपर, जहाँ पर आप इसे बनाने के लिए आप कुछ यूट्यूब के वीडियो से आप रेफरेंसेस ले सकते हो, या तो फिर आप अगर हमारे कोई कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो हम हमारे कोर्सेज के अंदर भी कई बार आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे आप अपना खुद का बिजनेस अकाउंट आप बना सको गूगल के ऊपर। तो आइए चलते हैं हम हमारे दूसरे ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस के बारे में, जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम फैन पेज। आपको दोनों ही फैन पेज आपको बिजनेस के नाम से आपको वहां पर क्रिएट कर लेना है, जिससे फायदा क्या होगा, आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नए आर्टिकल, कुछ ना कुछ नए पोस्ट या कुछ वीडियोस आप क्रिएट करके आप अपने बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर अपलोड कर सकते हो, जिससे कि कस्टमर अगर आपके रिलेटेड कुछ फेसबुक से कनेक्ट होना चाहता है, आपकी कंपनी के साथ में जुड़ना चाहता है तो वहां पर वो जुड़ सके। आपको करना कुछ नहीं, आप जितने भी प्रोजेक्ट्स लेते हो फील्ड के ऊपर वो सारे प्रोजेक्ट का फोटो खींच कर भी आप अपने गूगल प्रोफाइल के ऊपर एज वेल एज अपने फेसबुक पेज के ऊपर वहां पर आप पोस्ट कर सकते हो डेली बेसिस पर। तो जिससे कि क्या होगा कि कोई भी कस्टमर अगर आपके बारे में ज्यादा जानना चाहता है तो वो आपके फेसबुक पेज से या गूगल प्रोफाइल से वहां से कुछ डिटेल प्राप्त कर सकते हैं कि आपने किन लोगों के और काम किए हैं, आपने कितने अभी तक प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन आप इनडायरेक्टली कस्टमर्स को दे सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक डिजिटल असेट का काम करेगा, एक ऐसा असेट जो आने वाले दिनों में आपको बहुत हेल्प करेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। देखो, आप तो ये जानते ही होगे कि आपके शॉप पर
एक दिन में 1000 लोग नहीं आने वाले, लेकिन आप कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो कि आप 1000 लोगों तक पहुंच सकते हो। तो हमें क्यों ना आज के ट्रेंड के हिसाब से चलना है, आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम 1000 लोगों तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो हमें कुछ वही स्ट्रैटेजीज यूज करनी है जो आने वाले दिनों में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यूज कर रहे हैं, उन्हीं स्ट्रैटेजीज को सीख कर हमें अपने बिजनेस को भी ग्रो करना है। अच्छा, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, तो प्लीज़ सोशल मीडिया को सिर्फ आप अपने टाइम पास के लिए मत यूज़ करिए, यानी कि शॉर्ट देखना, रील्स देखना, इवन उसके ऊपर खाली स्क्रॉल करते रहना, उसे एज अ टूल, मार्केटिंग टूल की तरह आप यूज़ करिए। इन सारे सोशल मीडिया को एज अ मार्केटिंग टूल देखा जाता है, तभी आप इसे बिजनेस के अंदर यूज़ कर सकते हो आने वाले दिनों में। अच्छा, रेफरेंस के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे स्किल मुंबई के पेज को फॉलो कर सकते हो, और देखिए हमने किस तरीके से स्किल मुंबई का पेज बनाया है। इंस्टाग्राम पे अगर आप हमारे पेज को फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। ऑल राइट, लिंक मैंने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट पर कनेक्ट हो सकते हो। तो अब बात करते हैं हम हमारे तीसरे टिप की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अंतिम टिप है आपके लिए। आप क्या कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप अपनी बैकलिंकिंग क्रिएट कर सकते हो, यानी कि जैसे आपको बताना चाहता हूँ जजडाई, सुलेखा.com, अर्बन प्रो, इस तरीके से बहुत सारे एज अ सेल्स और सर्विसेज के लिए मदद करते हैं। उन सारे वेबसाइट्स के ऊपर जाकर आप अपने बिजनेस को एटलीस्ट आप लिस्ट करके रखिए। हो ना हो, कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हर जगह पर हमारा प्रेजेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आज तो मैंने आप लोगों को ये तीन टिप बताए हैं, आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, वहां पर भी आप अपने प्रोफाइल और अपने पेजेस आप क्रिएट कर सकते हो, ट्विटर के ऊपर आप अपने पेजेस और प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग ऑडियंसेस होते हैं, अलग अलग सोशल नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो फाइंड आउट करना चाहता है आपको किसी भी सोशल नेटवर्क के ऊपर, तो आपका बिजनेस प्रोफाइल वहां पर इजीली उनको मिल जाए और वो सारे एक्टिविटीज और वो सारे जो भी प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए वो सारे अगर वहां पर आप इनडायरेक्टली प्रेजेंट करते हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक क्रेडिबिलिटी, वहां पर कहीं ना कहीं आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो अपने बिजनेस के प्रति। तो इन सारे वेबसाइट्स की लिस्टिंग के लिए आपको एक भी रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि आप जजडायल पे जाइए और वहाँ पर कोई पेड प्लान ले लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि आप सुलेखा पे जाइए और वहाँ पर कोई पेड प्लान ले लीजिए। इनके वेबसाइट पर जाकर एटलीस्ट आप वहाँ पर फ्री लिस्टिंग करिए, ताकि कहीं पर भी अगर कोई एक कोटेशन कंपेयर हो रहा है और अगर वो आपके बिजनेस के बारे में स्टडी कर रहा है, लेकिन अगर कोई वहाँ पर एक बिजनेस है जो हर जगह पर लिस्टेड है, लेकिन वहाँ पर आपका बिजनेस है और कंपेयर किया जा रहा है कि आपका बिजनेस कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है, तो होता यह है कि वहां पर एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं हो पाता है। आने वाले दिनों में आप लोगों को अपने वेबसाइट्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक अपना खुद का डिजिटल होम बनाना पड़ेगा। लेकिन एज अ बिगनर आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको गूगल माय बिजनेस के ऊपर अगर आपने एक पेज का वहाँ पर वेबसाइट भी बना दिया, तभी भी बहुत है आपके लिए। तो एज अ बिगनर एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट आप आने वाले इस मंथ में आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने अभी तक इन सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अभी जाइए और इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, नेटवर्क्स हैं, इनके ऊपर अपना बिजनेस प्रोफाइल अकाउंट बनाइए। रेफरेंस के तौर पर आप हमारे बिजनेस प्रोफाइल को और हमारे अकाउंट को देख सकते हो कि हमने किस तरीके से क्रिएट किया है। हम आपको हर अवेलेबल नेटवर्क्स पर ज़्यादातर हम आपको दिखेंगे, वहाँ से आप हमारे रेफरेंसेस को यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। टिल देन, दिस इज लक्ष्मण साइनिंग आउट फॉर द डे। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए जितना हो सकता है उतना, और अगर आप इसी तरीके के कुछ नए वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और अगर आप सीसीटीवी कैमरा के रिलेटेड या तो फिर आप फायर अलार्म सिस्टम के रिलेटेड या कोई भी कोर्सेज आप ऑनलाइन में
या तो आप ऑफलाइन में करना चाहते हो तो हम आपको पूरी सुविधा यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। आपको हमारे काउंसलर को कॉल करना है दिए गए नंबर पर, यहाँ पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमारे ट्रेनिंग के बारे में पता कर सकते हो। मैं लक्ष्मण, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, बाय बाय।